हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आप सबका स्वागत है साइन लॉ गुरु चैनल पे तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलेट 2022 के एग्जाम डेट से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट कई इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि एडमिट कार्ड कब निकलेगा कौन कौन से कोर्सेस ऑफर किए जा रहे हैं और उन सब कोर्सेस में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कितने सीट्स हैं और एप्लीकेशन फीस कितना है सब चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ तो सब चीज़ अगर आपको जानना है तो एंड तक आप वीडियो में बने रहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी लॉ एग्जाम्स रिलेटेड हो एलेट से रिलेटेड हो अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इलेट 2022 का एग्जाम डेट क्या है तो ये फर्स्ट मई 2022 को होने वाला है संडे को जिसका टाइमिंग है 10 बजे से लेकर साढ़े ग्यारह के बीच में आपका टाइम स्लॉट है ठीक है ये आपको ऑफलाइन मोड में होने वाला है दैट इज पेन एंड पेपर मोड में अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है ये आपका थर्सडे डे सेवेंथ अप्रैल 2022 को है ओके okay? अब हम लोग बात करेंगे एडमिट कार्ड कब निकलेगा एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन ही इशू हो जाएगा आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा एडमिट कार्ड कब मिलेगा ट्वेंटी अप्रैल 2022 ये तीन कोर्सेज ऑफर करते हैं पहला आता है बी ए एल एल बी ऑनर्स फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स फिर आते हैं एल एल एम और थर्ड आता है पी एच डी तो हम लोग पहले बात करते हैं बी एल एल बी ऑनर्स तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन दैट इज टेन प्लस टू सिस्टम में या फिर उसका कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विदी फाइव परसेंट मार्क्स फोर्टी परसेंट केस ऑफ एस सी एस टी पर्सन विद डिसबिलिटीज फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स जो है लगेगा जनरल वालों के जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं बाकी फोर्टी परसेंट लगेगा अगर आप बिलोंग करते हो To sc or st or persons with disabilities candidates appearing for the 12th standard annual examination in 2022 are also eligible to apply seats kya kya hai 110 plus 10 110 seats on elite merit five seats each for foreign nationals and oci pio for direct admission on merit additional super ऑनर्स का आप लोग बात करेंगे एल एल एम जो वन ईयर प्रोग्राम है एक साल का कोर्स है इसमें एलिजिबिलिटी है एल एल बी और एन एक लॉ डिग्री विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स फोर्टी फाइव परसेंट इन केस ऑफ एस सी एस टी पर्सन विद डिसबिलिटीज कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर एल एल बी एनुअल एग्जामिनेशन इन 2022 आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई सीट्स कितने सेवेंटी प्लस टेन और 70 सीट्स ऑन एलेट मेरिट पांच सीट जो है फॉर फॉरेन नेशनल्स एंड ओ सी फॉर डायरेक्ट एडमिशन ऑन मेरिट एडिशनल सुपर न्यूमरी सीट्स वन सीट फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स अब लोग बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है इसमें एलिजिबिलिटी है एल और एन लॉ डिग्री परसेंट मार्क्स परसेंट मार्क्स इन केस ऑफ एस सी एस टी पर्सन विद डिजेबिलिटीज। ऐसे भी मैं आपको जो नोटिस है जो नोटिस आया है ऑफिशियल साइट पे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप जाके देख लीजिए खुद ही तभी मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ और इसमें टोटल सीट्स आते हैं एटीन प्लस टू एटीन सीट्स ऑन एलेट मेरिट एंड टू सीट फॉर डिरेक्ट एडमिशन टू फॉरिन नेशनल ऑन मेरिट ऑफ रिसर्च प्रोपोजल्स फॉरिन नेशनल्स आर एगजेड फॉर एलेट हम लोग अब एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड फिफ्टी रुपीज ओनली एप्लीकेशन इन केस ऑफ एस और एस एंड पर्सन विद डिजेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी इज रुपीज वन जीरो फाइव जीरो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको तीन हजार पचास आपको पे करना होगा एज एप्लीकेशन फी अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं या फिर विद डिसेबिलिटीज तब आपको पे करना होगा वन थाउजेंड फिफ्टी रूपीज ओनली बिलो पॉवर्टी लाइन एप्लीकेट ऑफ एस सी एस टी कैटेगरी आर एक्समटेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहें और कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लायट भी इस साल दो बार होने वाला है वो सब से रिलेटेड वीडियोस में मैंने रिलीज किया है क्लैट का रजिस्ट्रेशन अगर आप क्लैट देना चाह रहे हो तो क्लैट का रजिस्ट्रेशन ओपन है आप वो सब वीडियोज देख सकते हो मैं आई आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका और क्लैट का जो सिलेबस है और एलेट का जो सिलेबस है दोनों सिमिलर है तो मैं क्लैट का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ आप उस सब वीडियोस भी देखो जिसमें मैंने लॉ पढ़ाया है लीगल स्टडीज फिर मैथमेटिक्स इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग तो सारे ये सब आपका एलिट में भी है तो आपको हेल्प हो जाएगा ओके फॉर देन स्टे सेफ थैंक यू